नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स एंड टाइप ऑफ वॉइड्स। ये जो टॉपिक है ये क्लास प्लस टू का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज पैक्ड होते हैं, मतलब वो उनमें खाली स्थान जो है वो बहुत कम होता है, बाकी जो स्पेस है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ भरा होता है। अगर हमने मैन्युअली क्लोज पैकिंग शो करनी है सॉलिड में तो हम क्या करते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको एज ए हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं, आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर, मतलब एक जैसे स्फीयर को कंसीडर करेंगे जो हार्ड होंगे। जब हमने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर सॉलिड का बनाना है तो उसमें हम तीन स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। पहला है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसी होती है हार्ड स्फीयर की। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसी होती है, और क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन स्फीयर्स को एक रो में रखते हैं, एक लाइन में रखते हैं, और इस तरह से रखते हैं कि ये जो स्फीयर हैं ये एक दूसरे के साथ टच में रहें, इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब टू डायमेंशन में अगर हमने शो करनी है तो कैसे शो करेंगे। टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग दो तरह से की जा सकती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन स्क्वेयर क्लोज पैकिंग एंड टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वेयर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये किस तरह की पैकिंग है। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में हम क्या करेंगे कि जो हमने एक लाइन स्फीयर्स की रखी है जिसको हमने वन डायमेंशन में पहले शो किया, उसी तरह से एक लाइन और इनके पीछे स्फीयर्स की लगा देंगे, और इस तरह से लगाएंगे कि पहले स्फीयर के पीछे दूसरी लाइन का स्फीयर आए, और फिर तीसरी लाइन लगा देंगे, और इसी तरह से हम चौथी लाइन लगा देते हैं। इस तरह से जो हम आगे पैकिंग करते जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इसको बोलते क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, क्योंकि अगर हम इसमें एक स्फीयर सेंटर में लेकर के बाकी जो चार स्फीयर हैं उसके सेंटर को मिलाएं आपस में तो जो शेप बनती है वो स्क्वेयर की तरह बनती है, इसलिए हम इसको स्क्वेयर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अब है दूसरी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो हम सेकंड लाइन स्फीयर्स की लगाएंगे वो किस तरह से लगाते हैं, ये तो हमारे पास फर्स्ट लेयर वैसे लाइन वैसे ही है स्फीयर की। अब सेकंड लेयर जो हम लगाते हैं वो हम क्या करते हैं कि सेकंड लेयर के जो स्फीयर हैं उनको हम फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन, ये दो स्फीयर हैं इनका ये डिप्रेशन है, यहाँ पे लगाएंगे। जो दो स्फीयर्स हैं उनके हर डिप्रेशन में हम सेकंड लेयर के स्फीयर्स को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह से जो थर्ड लाइन लगाएंगे वो भी सेकंड लेयर के स्फीयर के डिप्रेशन में लगाते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक ए टू डी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे कि एक स्फीयर को सेंटर में लेकर के बाकी इसके साथ जो चारों तरफ से छह स्फीयर ने इनको घेरा है और इनके सेंटर को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये हेक्सागन बन जाता है, इसलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो टू डायमेंशंस में दो तरह की क्लोज पैकिंग, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या चीज। सो द नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग विद द गिवन स्फीयर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट स्फीयर। एक स्फीयर के साथ सराउंडिंग में कितने स्फीयर उसको टच कर रहे हैं,
उसको हम उस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे सपोज करो हमने इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ कितने और स्फीयर टच कर रहे हैं। जैसे ए सेंटर में है, इसके साथ 1, 2, 3, 4, ये चार ही स्फीयर टच कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अब अगर हम इसमें देखें, ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसको चारों तरफ से कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्फीयर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। सो इन 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग इट इज 4, एंड इन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इट इज 6। अब है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग दो तरह की हमने देखी, अब क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में कैसी होगी। जनरली जितने भी सॉलिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही होते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स ऑन अबव द अदर, लेयर्स वन अबव द अदर। मीन्स जो हम 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर लेयर्स रखते जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, क्योंकि हमने देखा कि 2 डायमेंशन में हमारे पास दो तरह के क्लोज पैकिंग है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर पहले हम लेयर्स रखेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जिसको हमने 2D में स्टडी किया। अब इसके ऊपर अगर हम इसी मैनर्स में लेयर को रखते जाएं, जैसे इसके ऊपर एक लेयर रखती फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट हो जाता है। जैसे हमारे पास ए फर्स्ट लेयर है, ए सेकंड लेयर है, ए थर्ड लेयर है और ए फोर्थ लेयर है। चार लेयर्स हमने यहाँ पे दिखाई है। तो ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार हुआ इसको हम कोलेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये। अब हम इसको दिस टाइप, दिस लैटिस हैज ए ए ए टाइप पैटर्न, मींस कि जैसा फर्स्ट लेयर है वैसे ही सेकंड लेयर है, मतलब फर्स्ट लेयर के स्फीयर के ऊपर सेकंड लेयर का स्फीयर आ रहा है, सेकंड लेयर के स्फीयर के ऊपर ही थर्ड लेयर का स्फीयर आ रहा है, एक लाइन में इनको अरेंजमेंट मिलता है, इसलिए हम इसको 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं और ए ए टाइप कहते हैं। मतलब जैसी फर्स्ट लेयर है वैसी सेकंड लेयर है वैसी ही थर्ड लेयर है। द लैटिस दस जनरेटेड इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह से जो लैटिस बनती है इसको हम सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं, और इसका जो यूनिट सेल है वो किस तरह का है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने ये 8 स्फीयर्स लिए हैं और इनके सेंटर को एक दूसरे के साथ जोड़ करके हमारे पास एक यूनिट सेल जनरेट हो गया है। अब यूनिट्स, इस यूनिट सेल को देखेंगे हम तो इसके सिर्फ कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन आ रही है, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम कहते हैं परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो है इस तरह की लैटिस का ही एक यूनिट सेल है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। अब बात आती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। जो 2 डायमेंशनल लेयर है हमारे पास वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की है, उससे हमने 3D क्लोज पैकिंग बनानी है। ये हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशंस में है। अब इसके ऊपर हमने सेकंड लेयर को रखना है, और सेकंड लेयर को भी रखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर द ट्राइंगल्स, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है ये, यहाँ पे हम सेकंड लेयर को रख सकते हैं,
ये जो तीन सफियर के बीच में ये डिप्रेशन आ रहा है, इनके ऊपर हम सफियर को रखेंगे। अब इसमें एक चीज और है कि अगर हम इनके ऊपर सफियर रखेंगे तो ए वाली वाइट्स खाली रह जाती है, और फिर अगले स्फीयर इस लाइन पे आएंगे, ये वाले खाली रह जाएंगे, यहाँ पे सफियर्स आएंगे, ये वाले खाली रह जाएंगे। चलो देखते हैं कि कैसे। ये टॉप व्यू है इसका, साइड में जब हम रखेंगे तो हमने क्या किया, इन तीन सफियर का जो डिप्रेशन आ रहा था वहाँ पे हमने सफियर्स को रख दिया है और सेकेंड लेयर बना दी है। अब ये जो सेकेंड लेयर बनी ये फर्स्ट लेयर की तरह नहीं है, क्योंकि जहाँ पे फर्स्ट लेयर के सफियर्स के सेंटर आ रहे थे वहीं पे सेकेंड लेयर के सफियर के सेंटर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको बी टाइप दे दिया। ये तो साइड व्यू है इसका। प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ए यहाँ पे हमने टॉप व्यू दिखाया है इसका कि जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर सफियर की रख देते हैं। हमने डिप्रेशन पे जैसे तीन सफियर नीचे थे उसके डिप्रेशन में एक सफियर रख दिया, यहाँ पे भी तीन नीचे थे उसके डिप्रेशन में हमने सफियर को रख दिया, और इस तरह से हमारे पास ये अरेंजमेंट आ रहा है। और यहाँ पे जो मैंने कहा था कि एक डिप्रेशन में रखेंगे तो दूसरी लाइन वाले डिप्रेशन खाली रह जाएंगे, ये हमारे पास खाली रह गए हैं जिसमें आप बैक जो है होल देख रहे हैं। तो अब ये जो खाली स्थान है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं वाइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप दो तरह की वाइट्स जनरेट हो रही है, एक तो तीन सफियर ए है एक इनके नीचे इस तरह की, और इसको अगर इस वाइट को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, तीन सफियर ऊपर हैं और तीन ही सफियर नीचे होंगे, एक दो तीन, ये दूसरे टाइप की वाइट है। वाइट होता है कि खाली स्थान, सफियर को जब हम पैक करेंगे तो उनमें जो पैकिंग के बीच में जो खाली स्थान रह जाता है उसको वाइट कहते हैं। तो दो तरह की वाइट यहाँ पे आ रही है, जो तीन सफियर ऊपर एक नीचे या तीन सफियर नीचे एक ऊपर, इनके बीच में खाली स्थान रहता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइट। और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट, तीन सफियर ऊपर हैं तीन सफियर नीचे हैं, एक दो तीन, ये तीन सफियर फर्स्ट लेयर के हैं, इनके बीच में जो खाली एम्प्टी स्पेस रह जाता है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको टी और ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जब हमने सेकंड लेयर रख दी तो सेकंड लेयर के सफियर में भी टी टेट्राहेड्रल वाइड्स जनरेट हो रही है और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड जनरेट हो रही है। ये टेट्राहेड्रल वाइड टी से हमने टेट्राहेड्रल वाइड को रिप्रेजेंट किया और ओ से ऑक्टाहेड्रल वाइड को रिप्रेजेंट किया है। जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी तो जितने भी ट्रायंगुलर वाइट्स थी, ट्रायंगुलर वाइट्स जो हमने दिखाई थी आपको रेड कलर से फर्स्ट लेयर की, वो सारी के सारी नहीं भरी हैं, उसमें से आधी भरी है आधी खाली रह गई है। वेयर एज द सफियर ऑफ द सेकंड लेयर इज अबव द वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर और वाइस वर्सा, ए टेट्राहेड्रल वाइड इज फॉर्म्ड। जहां पे वो ट्रायंगुलर स्पेस था उसके ऊपर हमने जब सफियर रख दिया सेकंड लेयर का, तो जो खाली स्थान के अंदर रहा उसको हमने क्या कहा है, टेट्राहेड्रल वाइड कहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने तीन सफियर नीचे दिखाए हैं और एक ऊपर दिखाया है, और इनके बीच में जो खाली स्थान है उसको हम क्या कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वाइड है, और इस तरह की शेप इस टेट्राहेड्रल वाइड की आएगी। आप देख रहे हैं तीन सफियर नीचे और एक सफियर ऊपर, इस तरह से तीन सफियर नीचे और एक सफियर ऊपर। अब बात आती है कि इसको हम टेट्राहेड्रल वाइड क्यों कहते हैं, इसकी शेप टेट्राहेड्रॉन की तरह तो नहीं है, लेकिन अगर हम इन चार सफियर के सेंटर को ज्वाइंट करें, सेंटर को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करें या जोड़ें, तो हमारे पास जो शेप आती है वो टेट्राहेड्रॉन की तरह आती है। ये देखिए हमारे पास इन दो सफियर्स के सेंटर ए हैं, टॉप वाले का सेंटर ए है और इधर वाले का सेंटर ए है, हमने इनको एक दूसरे के साथ सेंटर को जोड़ दिया है, ये हमारे पास टेट्राहेड्रॉन की शेप है। इस तरह से इसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, इट इज मार्क्ड बाय टी। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स,
ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, अभी हमने ये पिक्चर पहले भी देखी, इसमें हमने आपको दिखाई टेट्राहीड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। ये हमारे पास टेट्राहीड्रल वॉइड्स थी और ये हमारे पास ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स थी। तब ऑक्टाहीड्रल वॉइड के बारे में हमने पहले भी बताया आपको कि ये तीन स्फीयर नीचे और तीन स्फीयर ऊपर, इसके बीच में जो खाली स्थान आएगा उसको हम कहेंगे कि ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड है। एट अदर प्लेस द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर। पहली लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरी लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड, जिसको हमने बोला कि तीन स्फीयर नीचे वाली लेयर की और तीन स्फीयर ऊपर वाली लेयर के, इनके बीच में जो स्थान है, द ट्रायंगुलर शेप ऑफ दिस डू नॉट ओवरलैप। अब जो तीन स्फीयर नीचे उनके बीच में ट्रायंगुलर वॉइड है और तीन स्फीयर ऊपर उनके बीच में ट्रायंगुलर वॉइड है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करती है बल्कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। नीचे वाली ट्रायंगल की अपेक्स अगर ऊपर की तरफ है तो जो ऊपर वाली दूसरी लेयर के तीन स्फीयर की जो ट्रायंगल बनेगी उसकी अपेक्स नीचे की तरफ होगी। जैसे सपोज करो हम इन तीन स्फीयर्स को कंसीडर करें, ये नीचे वाले एक दो तीन, इनको हमने मिला दिया और इस तरह से इसकी अपेक्स ए बन गई, ये ऊपर की तरफ है और तीन स्फीयर हमने ले लिए, एक दो तीन, इनको हमने आपस में मिला दिया तो इसकी अपेक्स नीचे की तरफ आ रही है। सो दीज वॉइड्स हैव बीन मार्क्ड एज ओ, इस तरह की जो वॉइड्स हैं उसको हमने ओ से मार्क किया है, इसको हम कहते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। देखिए यहाँ पे अलग से पिक्चर में दिखाया है कि ये तीन स्फीयर नीचे वाली लेयर के हैं और तीन स्फीयर सेकेंड लेयर के हैं, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस, इसको हम ऑक्टाहीड्रल वॉइड कहते हैं। आप पिक्चर की सहायता से यहाँ पे तीन स्फीयर नीचे तीन स्फीयर ऊपर और इस तरह की जो शेप आएगी उसको हम कहेंगे ऑक्टाहीड्रल वॉइड, दिस इज कॉल्ड द ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब अगर हम इन स्फीयर्स के सेंटर को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक ऑक्टाहीड्रॉन की तरह शेप बनती है, इसलिए हम इसको ऑक्टाहीड्रल वॉइड कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वॉइड्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब जब हमने सॉलिड का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाया है स्फीयर्स से, तो उसमें कितने ऑक्टाहीड्रल वॉइड होंगे कितने टेट्राहीड्रल वॉइड होंगे, ये नंबर जो है ये नंबर डिपेंड करता है कि हमने क्लोज पैकिंग कितने स्फीयर की है, क्लोज पैकिंग में हमने कितने स्फीयर डाले हैं। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर बी एन, सपोज करो हम एन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं या एन को हम 20 मान लेते हैं, 20 स्फीयर हमने लिए हैं क्लोज पैकिंग 20 स्फीयर। Then the number of octahedral voids generated will be equal to n, मतलब 20 स्फीयर से हमने जो क्लोज पैकिंग की है उसमें octahedral void कितनी जनरेट होगी, 20 ही जनरेट होगी, 20 से 20 octahedral voids। The number of tetrahedral void generated, it is the twice of the number of स्फीयर, means अगर हमने 20 स्फीयर क्लोज पैकिंग के लिए लिए हैं तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड उनसे जनरेट होगी उनसे डबल मींस 40। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमने कितने स्फीयर लिए हैं उनसे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगी, कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड से जनरेट होगी। अब है प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर तक हमने प्लेसिंग कर दी है, अब थर्ड लेयर को सेकेंड के ऊपर कैसे रखेंगे। When third layer is placed over the second, there are also two possibilities. यहाँ पे भी हमारे पास दो possibilities हैं। पहली, या तो हम second layer रखने के बाद दो तरह की जो voids हमारे पास generate हुई है, tetrahedral void and octahedral void, या तो हम tetrahedral void को cover करेंगे या octahedral void को cover करेंगे। पहला है covering the tetrahedral voids और दूसरा है covering the octahedral voids. कवरिंग द टेट्राहीड्रल वॉइड्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर इस सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर के ऊपर जो टी लिखा था हमने टेट्राहीड्रल वॉइड, उसके ऊपर हमने स्फीयर्स को रख लिया है। इस तरह से हमारे पास
जो फर्स्ट लेयर थी वो उसके ऊपर हमने सेकंड लेयर की रखी, फिर सेकंड के ऊपर जो हमने थर्ड लेयर रखी, तो थर्ड लेयर की अलाइनमेंट जो है वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर के साथ सीधी आती है। इसका मतलब जैसे फर्स्ट लेयर थी वैसे ही थर्ड लेयर आ रही है। द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। इन दिस केस द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। यहां पे हम फॉर्मेशन बताएंगे। ये फर्स्ट लेयर हमने लगा दी, इसका साइड व्यू है। अब इसमें हम इन ट्रेंगुलर वॉइड्स के ऊपर स्फीयर को रखेंगे। हमने यहां पे रखेंगे तो ये खाली रह जाएगी। देखिए जो हमने रेड डॉट रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे हम सेकंड लेयर के स्फीयर को रखेंगे। आप देख रहे हैं ये खाली रह गई है। ये हमने सेकंड लेयर के इसमें स्फीयर रख दिए और इस तरह का हमें व्यू दिखता है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की वॉइड्स जनरेट हो गई, टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल के ऊपर हम स्फीयर को रखने जा रहे हैं थर्ड लेयर के, और ये हमने थर्ड लेयर के स्फीयर इसके ऊपर रख दिए। तो जैसी लेयर फर्स्ट थी वैसी ही थर्ड जनरेट हो रही है। फर्स्ट लेयर ये सेकंड लेयर, सेकंड लेयर अलग है फर्स्ट से, लेकिन थर्ड लेयर जो है वो वैसी ही आई है जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड जो सेकंड लेयर के थे उनके ऊपर स्फीयर को रखा। तो इस तरह से जो हमारे पास पैटर्न बनता है वो हमारे पास बनता है ए बी टाइप। मतलब फर्स्ट लेयर को अगर हम ए टाइप बोलें, सेकेंड लेयर बी टाइप आएगी बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, एंड थर्ड लेयर विल बी सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। सो दिस अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी टाइप। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है ए बी टाइप, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स एक को हमने पर्पल से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड लेयर के स्फीयर को हमने रेड से, और थर्ड लेयर के स्फीयर को हमने गोल्डन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप इनको अलग अलग देख पा रहे हैं ए बी ए, और जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इनके सेंटर्स को मिला करके जो हमारे पास यूनिट सेल बनेगा वो है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट किस तरह किन किन एलिमेंट्स में किन किन मेटल्स में इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, वो है मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम एंड जिंक दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब सेकेंड जो हमारा ऑप्शन थी वो है कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थर्ड लेयर जो हम रखेंगे उसमें हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, तो हमारे पास जो लेयर बनेगी वो इस तरह से बनेगी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर नहीं किया, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया है थर्ड लेयर से, इसलिए हमारे पास जो अरेंजमेंट आ रहा है, बाय डूइंग दिस द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ आइदर ऑफ द फर्स्ट और द सेकेंड। जो थर्ड लेयर का अरेंजमेंट है ना तो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है ना सेकंड के साथ मैच कर रहा है, अलग टाइप का, इसलिए हमने इसको सी से रिप्रेजेंट किया। देखिए यहां पे अरेंजमेंट किस तरह से है, फर्स्ट लेयर हमने लगा दी, इसका साइड व्यू, टॉप व्यू। टॉप व्यू में अब हमने वैसे ही सेकंड लेयर को रखा है ट्रायंगुलर वाइड को कवर करके, इसमें हमने सेकंड लेयर वैसे ही रखी है जैसे पहले रखी थी, और वहाँ पे हमने जब स्फीयर्स को अरेंज किया तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अब इसके बाद हमारे पास देखिए ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इनको हमने कवर करना है। टेट्राहेड्रल वॉइड को हमने छोड़ दिया, ये हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किया था इसको कवर। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर जो है वो रख रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो किस तरह का आएगा, इस तरह की अलग लेयर बन जाएगी। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ए बी सी। अब इसके ऊपर जब हम दोबारा लेयर रखेंगे तो वो ए टाइप की आएगी, तो इसको हम बोलेंगे ए बी सी टाइप। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप, एंड ओनली व्हेन द फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इट्स स्फीयर्स आर अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर।
दिस पैटर्न ऑफ द लेयर इज ऑफन रिटन एज ए बी सी ए बी सी, और इस स्ट्रक्चर को हमने कहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग सी सी पी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। पिछला हमने जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना, और जब हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर किया थर्ड लेयर से तो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह का है ये। इसमें हमने ए लेयर का, बी का, सी और फिर ए लेयर के स्फीयर्स को कंसीडर किया है, और जब हमने इनको इकट्ठा किया इनके सेंटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया तो हमारे पास इस तरह का यूनिट सेल बनता है जो फेस सेंटर है। आठ कॉर्नर के ऊपर आठ स्फीयर के सेंटर और एक एक स्फीयर इनके फेस के सेंटर में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इस तरह की क्लोज पैकिंग के एग्जांपल हैं जैसे कॉपर और सिल्वर। एच सी पी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोथ आर हाईली एफिशिएंट एंड 74% स्पेस इन द क्रिस्टल इज फिल्ड, और इस तरह से इसमें 74% जो स्थान है वो या स्पेस जो है वो सफ़ियर के द्वारा भरा जाता है, बाकी 26% जो है वो खाली रहता है। इन आइदर ऑफ देम ईच सफ़ियर इज इन कॉन्टैक्ट विद द 12 सफ़ियर। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो प्रत्येक सफ़ियर इनमें 12 सफ़ियर के कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो दोनों का ही, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द नंबर ऑफ वाइड्स। कितनी वाइड है उससे हम फार्मूला जनरेट करेंगे कंपाउंड का। जैसे हमें पता है कि एन हमारे पास सफ़ियर है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड भी एन के प्रकार होती है, टेट्राहेड्रल वाइड 2n टाइप्स की होती है। अब जब आयनिक सॉलिड हमारे पास है तो आयनिक सॉलिड में हम क्या करते हैं कि जो बड़ा आयन है, बड़ा एक्चुअली कौन होता है, जो एनायन होता है, उसको हम क्रिस्टल लैटिस के पॉइंट्स के ऊपर कंसीडर करते हैं, और जो कैटायन है जिसका साइज छोटा होता है उसको हम वाइड्स में रखते हैं। इफ द लैटिस आयन इज स्मॉलर इनफ, अब जो लेटर आयन इज स्मॉलर इनफ, लेटर मीन्स कैटायन का साइज अगर बहुत छोटा है तब तो वो टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करेगा, अगर उसका साइज बड़ा है तो वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करता है। नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्यूपाइड, सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है वो ऑक्यूपाई नहीं की जाती है, सिर्फ इन द गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल और द टेट्राहेड्रल वाइड्स दैट आर ऑक्यूपाइड डिपेंड्स अपॉन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का क्या केमिकल फार्मूला है उसके आधार पे डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई की जाएगी, कितनी टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई की जाएगी। अब कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, हमें टेट्राहेड्रल वाइड या ऑक्टाहेड्रल वाइड की ऑक्यूपेंसी दी होगी, उससे हमने फार्मूला निकालना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।